आज के टाइम अगर आप एवेंजर्स मूवी का मेन विलेन थैनोस का इफेक्ट इंटरनेट पर देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको गूगल पे जाके थैनोस टाइप करना होगा और फिर स्क्रीन के राइट साइड में मौजूद इस इन्फिनिटी गांटलेट पे क्लिक करना होगा। इस इन्फिनिटी गांटलेट को छूते ही ये चुटकी बजाएगा और इस चुटकी के साथ गूगल सर्च इंजिन में मौजूद आधी चीजें गायब होने लगेगा और सर्च रिजल्ट्स भी पहले से आधा हो जाएगा। लेकिन दोबारा गांटलेट पे क्लिक करते ही सब पुराना सर्च रिजल्ट्स वापस आ जाएगा। तो गूगल ने तो इसे इंटरनेट की दुनिया में इम्प्लीमेंट करके दिखाया, लेकिन अगर थैनोस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता और इस ब्रह्मांड के आधे पॉपुलेशन को चुटकी से मिटा देता तो इससे हम इंसानों पर क्या असर पड़ता और क्या ये हमारी धरती के लिए अच्छा होता या बुरा, चलिए पता लगाते हैं। तो 2019 के टाइम 770 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धरती पर जीवित है। तो देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर ये पॉपुलेशन आधी हो जाएगी और ऐसा होते ही सबसे पहले जो दुर्घटना घटेगी वो है प्लेन क्रैशेस, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी में से कुछ लोग पायलट्स भी होंगे जो उस टाइम प्लेन उड़ा रहे होंगे और उन प्लेन्स पे मौजूद यात्री भी इस घटना का शिकार होकर मर जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में हर वक्त कम से कम 10,000 प्लेन आसमान में रहता है जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि 10 लाख का आधा यानी ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लोग और मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेन क्रैशेस होंगे वो धरती के किस कोने में कहाँ होंगे इसका कोई अता पता नहीं रहेगा। अगर ये प्लेन क्रैशेस पब्लिक प्लेसेस में होता है तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। प्लेन क्रैशेस के साथ साथ ऐसे एक्सीडेंट्स नॉर्मल गाड़ी से लेकर बड़े बड़े ट्रेन्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा उस समय दुनिया भर के कई डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे होंगे जो ऑपरेशन के बीच में ही गायब हो जाएंगे, जो उन पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित होगा। और अगर इन सब दुर्घटना के बावजूद आप जिंदा बचते हो तो वो आपके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा, क्योंकि आपके आधे परिवार से लेकर आपके दोस्त और रिश्तेदार तक सब गायब हो चुके होंगे। मिलिट्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसान जैसे जरूरी काम जो देश को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो भी अचानक घट जाएगा। इसके अलावा फायर फाइटर्स से लेकर देश के नेताओं तक सब आधे हो जाएंगे। दुनिया में बड़े पैमाने पर अंधेरा छा जाएगा सफिशियंट बिजली ना मिलने पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ऑल टाइम हाई रहता है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज आधे होने के चलते इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बहुत कम हो जाएगा। हालांकि बिजली कंज्यूम करने के लिए लोग भी आधे होंगे, लेकिन उसका बेनिफिट हमें शुरुआती टाइम पे नहीं मिलेगा। किसानों की कमी के कारण खाने का सप्लाई भी तेजी से घटने लगेगी, जिससे बचे कुचे लोगों के लिए मनपसंद खाना मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स को हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो बस इस घटना के कुछ ही दिनों तक या फिर महीनों तक चलेगा। आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ऐसी एक सिमिलर घटना इस दुनिया में पहले भी घट चुकी है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ये घटना आज से करीबन 700 साल पहले 1300 के समय हुआ था, जब यूरोप महादेश में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 250 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जो उस समय यूरोप की आबादी का आधा हिस्सा था। अब ऐसी भयानक दुर्घटना के चलते बहुत से लोग मारे गए ये तो सच है, लेकिन इससे कुछ अच्छी चीजें भी हुई। उस समय यूरोप में बढ़ते आबादी के चलते लोगों के लिए खाना कम पड़ रहा था, लेकिन इतने लोगों के मौत के बाद वही खाना फिर से जिंदा बचे इंसानों के लिए जरूरत से ज्यादा होने लगा। और यही सेम चीज थैनोस की गई स्नैप से भी हम नोटिस कर पाएंगे। हर साल 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखे मरते हैं, तो एक बात तो यह क्लियर है कि पहले से कम लोग भूखे मरेंगे। इसके अलावा इस धरती से गरीबी भी पहले के तुलना में काफी घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी शहर में डॉक्टर्स की संख्या पहले से बहुत कम होगी और उनका डिमांड्स भी काफी हाई रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा इंसान पहले से ज्यादा पैसा चार्ज करेगा, क्योंकि उनका कंपटीशन भी कम हो जाएगा और डिमांड्स भी हाई रहेगा, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। आपको तो पता ही है आज के समय जमीन का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन लोगों की आबादी घटने के चलते अब कोई नया घर खरीदना पहले से काफी सस्ता होगा। धरती पर हो रहे पॉल्यूशंस जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन से लेकर एयर पॉल्यूशन सब कुछ आज के मुकाबले कम होगा और धरती का हेल्थ कंडीशन भी आज के मुकाबले तब काफी ज्यादा बेटर होगा। इससे फायदा और नुकसान दोनों ही होगा ये तो हमें पता चल ही चुका है। तो थैनोस का ये आधी आबादी मिटाने का इरादा क्या आपको सही लगता है या गलत, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एवेंजर्स एंडगेम के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, तो आज के वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 10,000। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।